बीते 24 अगस्त को नालासुपारा पूर्व स्थित श्री रामनगर की घरतवाड़ी जोगेंद्र यादव चौल में रहने वाले एक बांधकाम ठेकेदार प्रमोद कुमार गोविंद बिंद की हत्या का मामला सामने आया था, जहां किसी ने प्रमोद कुमार बिंद की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी थी, जिसके पश्चात मृतक के भाई द्वारा पेलहार पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज करवाया गया था। वहीं इस मामले की गंभीरता को भांपते हुए वरिष्ठों के आदेश पर इस मामले की जांच पड़ताल क्राइम ब्रांच जॉन 3 ने करना शुरू किया। वहीं तकनीकी जानकारी तथा मुखबिरों द्वारा प्राप्त सूचना के बाद क्राइम ब्रांच जॉन 3 की टीम के हाथ कुछ सुराग लगे और उन सुरागों के आधार पर क्राइम ब्रांच जॉन 3 की टीम ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले व एसटीएफ वाराणसी की मदद से समीर कुमार उर्फ शमशेर बच्चा लाल बिंद नामक शख्स को गिरफ्तार किया। वहीं जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि प्रमोद कुमार बिंद के पास रखे पैसे वो चुराने गया था, जिस पर जबरन पैसे चुराने की छीना झपटी में ही प्रमोद कुमार बिंद की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं आरोपी को आगे की कार्यवाही के लिए पेलहार पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं इस मामले के क्राइम के सहायक पुलिस आयुक्त मदन बल्लाल ने मीडिया को जानकारी दी। पेलहार पुलिस स्टेशन सीआर नंबर 666/24 ये दिनांक 23/8/24 और 24/8/24 के बीच में हुआ था। वो 24/8/24 को ये रजिस्टर हुआ था पेलहार पुलिस स्टेशन। पेलहार पुलिस स्टेशन में इसका तपास चल रहा था और ये गुने का गंभीर देखते हुए हमारे टीम प्रमोद बड़ा का और इनकी टीम को भी सूचना दी गई थी कि इसका तपास किया जाए और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। तो फिर इनकी टीम को इनके साथ में काम करने वाला पिछले कुछ दिनों पहले काम करने वाला एक समीर उर्फ शमशेर बीन ये आरोपी के ऊपर संशय हुआ, क्योंकि ये इसके साथ काम किया हुआ था और इसके साथ काम करने के लिए वापस आया था ऐसा पता चला। उसके बाद में इन्होंने तांत्रिक विश्लेषण कुछ सीसीटीवी फुटेजेस और उसका मोबाइल का भी कुछ ये करके आरोपी का पता किया और आरोपी का लोकेशन वाराणसी में मिलने के कारण आरोपी को ढूंढने के लिए प्रमोद भागवत पीएसआई और उनकी टीम को भेजा गया था। उन्होंने उसको एसटीएफ की मदद से पकड़ा है और पकड़ के उसके पूछताछ करने के बाद में उसने ये गुना कबूल किया है। इसने ये गुना जो किया है उसने अपनी खुद की मोटरसाइकिल वाराणसी में गिरवी रखी थी, वो मोटरसाइकिल गिरवी रख के 25,000 रुपये लेके आया था और यहाँ आने के बाद में उसने वो पैसे जुए में उड़ाए थे और अभी वो घर जाऊँगा तो मैं घर पे क्या जवाब दूंगा इसके लिए वो डर के मारे उसने ये इसका मर्डर किया और इसके पास कुछ पैसे मिलेंगे, इसको ये मालूम था कि इसके पास जरूर पैसे रहेंगे, इसके लिए उसका मर्डर करके उसके तरफ से 26,000 रुपये उसने लेकर भागा था। लेकिन हमारी टीम ने पूरा मेहनत करके उसको वाराणसी से अरेस्ट किया और उसको यहाँ पे लाने के बाद में उसने वो गुनाह कबूल किया है। वहीं इस कार्रवाई को सफल बनाने में क्राइम ब्रांच जॉन 3 के पुलिस निरीक्षक प्रमोद वडाक, सहायक पुलिस निरीक्षक सोपान पाटिल, पुलिस उप निरीक्षक उमेश भागवत, पुलिस कर्मी ज्ञानेश्वर अवहार, अशोक पाटिल, मनोज चौहान, सचिन घेरे, मुकेश तटकरे, सागर बरवकर, अश्विन पाटिल, राकेश पवार, सुनील पाटिल, युवराज वाघमोड़े, सुमित जाधव, मनोज तारदे, तोसार दलवी, आतिश पवार, प्रवीण वानखेड़े, गणेश यादव, सागर सोनावने व संतोष चौहान का योगदान रहा। पेश है नाला सुपारा की यह एक रिपोर्ट।